बस नंबर 375 की घटना 14 नवंबर 1995 की रात को बीजिंग चाइना में घटी थी। इस घटना को द बस 375 बीजिंग, द मिडनाइट बस और द लास्ट बस टू प्रेग्नेंट हिल्स भी कहते हैं। चाइना के लोग आज भी इस बारे में बात करने से डरते हैं और बस नंबर 375 आज भी एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं चाइना की इस सच्ची डरावनी घटना के बारे में। 14 नवंबर 1995 की रात बस नंबर 375 युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से जियानशान यानी कि प्रेग्नेंट हिल्स जाने के लिए निकली। जब बस युआन मिंग हुआन से निकली थी तब वो पैसेंजर से भरी थी, लेकिन धीरे धीरे स्टॉपेज आता गया और बस खाली होती गई। और जब बस नंबर 375 प्रेग्नेंट हिल्स से 7 स्टेशन दूर थी तब तक बस खाली हो चुकी थी और उसमें केवल बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर बचे थे। तभी कुछ देर में बस में एक कपल, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का चढ़ा और अब बस में कुल 6 लोग हो गए, 4 पैसेंजर्स और 2 बस स्टाफ। बस में पूरी तरीके से शांति थी और रास्ता जिस पर बस चल रही थी वो भी काफ़ी सुनसान था। अपने डेस्टिनेशन से लगभग 4 स्टेशन पहले ड्राइवर ने बस स्टॉप पर 2 लोगों को देखा और ड्राइवर ने बस रोक दी और वो दोनों बस के बैक डोर से अंदर घुसे। बस स्टॉप पर केवल 2 ही लोग दिख रहे थे, लेकिन बस में 3 लोग चढ़े। तीसरा इंसान उन दोनों के बीच में था और उन दोनों ने कंधे के सहारे से उसे टिकाया हुआ था। वो तीनों चाइना की ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए थे जिससे उनके चेहरे अच्छे से दिख नहीं रहे थे। और जिस तरीके से वो लोग बस में चढ़े थे और दिख रहे थे, बस में बैठे बाकी लोग उससे डर गए और अब बस के अंदर डर का माहौल था। और कुछ देर बाद एक और स्टॉपेज आया और बस में बैठा कपल भी उतर गया और अब बस अपने डेस्टिनेशन की ओर दोबारा बढ़ी और बस में केवल 7 लोग थे, 1 बूढ़ी औरत, 1 यंग लड़का, 2 क्रू मेंबर्स और वो 3 पैसेंजर्स। बूढ़ी औरत बस की मिडिल सीट पर बैठी थी और उसके ठीक आगे वाले सीट पर वो लड़का बैठा था और वो 3 पैसेंजर्स बैक सीट पर बैठे थे। वो बूढ़ी औरत बार बार उन तीनों को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही होती है और कुछ देर बाद वो उठती है और उस यंग लड़के को डांटने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा पर्स चुराया है। उस पर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा पर्स कैसे चुराऊंगा, मैं तो आगे बैठा हूँ। लेकिन बूढ़ी औरत सुनने को तैयार नहीं होती और उसे जोर जोर से डांटने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बस कंडक्टर वहाँ आती है और पूछती है कि क्या हुआ और वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि इस लड़के ने उसका पर्स चुराया है। लेडी कंडक्टर उस औरत को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर वो सुनने को राज़ी ही नहीं होती और कहती है कि मुझे अगले स्टॉप पर उतारो, मुझे इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाना है। और अगला बस स्टॉप आने पर बस ड्राइवर बस रोक देता है और वो दोनों उतर जाते हैं। उतरने पर वो लड़का कहता है कि यहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है और वो मेरे घर जाने वाली लास्ट बस थी, अब मैं घर कैसे जाऊँगा। उस पर वो बोलती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उतारा है, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। इस पर वो लड़का पूछता है कैसे, तब वो बताती है कि वो 3 पैसेंजर पीछे बैठे हुए थे, मैं उन्हें बार बार देख रही थी और अचानक एक बार हवा चली और उनके कपड़े थोड़े से उड़े, तब मैंने देखा कि उनके तो पैर ही नहीं हैं। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तब समझी कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि कुछ और हैं। मुझे लगा कि वो लोग भूत हैं और मुझे अपनी और तुम्हारी ज़िंदगी बचानी थी, इसलिए तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया ताकि उन पैसेंजर्स को शक ना हो। इस पर वो बोलता है कि अगर ऐसा था तो तुमने बस के क्रू मेंबर्स को क्यों नहीं बताया। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने उस लेडी कंडक्टर से बात की थी लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया और बोला कि ये तुम्हारा वहम है। इस पर लड़का बोलता है कि अब क्या किया जाए और वो औरत कहती है कि चलो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा देते हैं। और वो दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बता देते हैं, लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती और कहती है कि तुम दोनों अब घर जाओ, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अगली सुबह 15 नवंबर को जियांगशान बस टर्मिनल यानी कि प्रेग्नेंट हिल्स टर्मिनल्स के ऑफिसर्स को पता चलता है कि बस नंबर 375 अभी तक बस टर्मिनल पर नहीं पहुंची है और पता चलता है कि लास्ट टाइम उसे अपने डेस्टिनेशन से 4 स्टेशन पहले देखा गया था। बहुत खोजने पर भी जब कुछ नहीं पता चलता
तो ऑफिसर्स ने पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। और जब ये मिसिंग रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन तक पहुंची जहां उस बूढ़ी औरत और लड़के ने रिपोर्ट लिखवाई थी, तो पुलिस ने तुरंत उन दोनों को बुलवाया और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए और फिर बस नंबर 375 के गुम होने की खबर पूरे बीजिंग में फैल गई। उस बूढ़ी औरत ने एक टीवी चैनल में अपना इंटरव्यू भी दिया था और 14 नवंबर की रात की पूरी स्टोरी बताई थी। 16 नवंबर को बस को उस स्टेशन से जहां वो औरत और लड़का उतरे थे वहां से 100 किलोमीटर दूर नदी में पाया गया और उसमें टोटल 5 डेड बॉडीज पाई गई। जब बस को निकाल कर उन पांचों डेड बॉडीज को निकाला गया तो सब उन डेड बॉडीज को देखकर दंग रह गए। बस के क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज तो सही थी, लेकिन बाकी 3 पैसेंजर की डेड बॉडीज बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। पर हैरानी करने की बात यह थी कि बस के फ्यूल टैंक में फ्यूल की जगह ब्लड भरा हुआ था। बहुत खोजबीन करने के बाद भी कुछ रहस्यमयी सवालों के जवाब नहीं मिले, जैसे कि वो तीनों पैसेंजर्स कौन थे। इस हादसे को केवल 2 दिन हुए थे तो फिर 2 दिन में उनकी बॉडी इतनी कैसे सड़ गई? क्या वो तीनों भूत थे? बस 100 किलोमीटर दूर पहुंची कैसे जब बस में उतना फ्यूल ही नहीं था? बस के फ्यूल टैंक में ब्लड कैसे आया? और बस आगे फिर रूट में कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? और इन सवालों के जवाब आज भी लोगों को पता नहीं है। इस घटना के बाद से लोगों ने रूट नंबर 375 पे जाना बंद कर दिया और ऐसा कई दिन तक चला, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद लोग इस घटना को भूल गए और सब नॉर्मल हो गया। लेकिन बीजिंग के लोग आज भी इस घटना के बारे में बात करने से कतराते हैं और ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।